हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने PUBG मोबाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको अपडेट कर लिया है। वैसे तो ये गेम इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन ये गेम अभी भी काफ़ी यूजर्स के फ़ोन में चल रहा है। प्ले स्टोर से हटने के बाद इसको आपको डाउनलोड करने के लिए आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाना होगा, एंड मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इस गेम का जो इंटरफेस है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो मैप है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, मैंने इसमें पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा मैं एक आपको इस गेम के बारे में गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। तो जो ये पबजी गेम है, ये वैसे तो एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसका नेम है ब्लू होल, ये उसको ओन करती है, लेकिन जो टेंसेंट गेमिंग चाइनीज़ कंपनी है उसका इसमें 10% स्टेक है। लेकिन जो पबजी मोबाइल है उसने अभी ये जो स्टेक है इस कंपनी का वो उनको वापस दे दिया है। तो हो सकता है ये गेम वापस आ जाए, तो इसके फुली चांसेस हैं जो हमारे इंडिया में इसको बैन लगा है वो यहाँ से हट जाए। सो गाइस, चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका ओल्ड वर्जन है पबजी का, उसको आपको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। एंड आप मेरे फ़ोन में भी देख सकते हैं, मैंने उसको यहाँ पे क्लियरली अनइंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड APK का। जैसे ही आप अपने फ़ोन में डाउनलोड APK वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऐसा सा इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड और कैंसिल। तो आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद जो आपका डाउनलोड है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फाइल के बाद आपको उसको ओपन करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर जो इंस्टॉल का बटन है इस पर क्लिक कर देना है, जो आपका इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। गेम की APK फाइल को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोडिंग रिसोर्सेज। अगर आपसे ये कोई परमिशन मांगता है तो इसको आपको अलाउ कर देनी है, एंड उसके बाद अपनी नोटिफिकेशन बार में आप जाके चेक कर सकते हैं। जो इस गेम के OBB फाइल्स हैं वो डाउनलोड होना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अलग से उनको जाके फोल्डर में नहीं डालना है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो गेम का कंप्लीशन परसेंटेज है डाउनलोडिंग का वो कितना हो चुका है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी और को ये गेम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो आपको उसको APK भेजनी है, एंड उसके बाद जाना है अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में। तो जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ अभी अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद वहाँ पर जाके आपको एक फोल्डर सर्च करना है जिसका नेम होगा एंड्रॉयड। उसके बाद आपको OBB वाले फोल्डर में जाना है, एंड उसके बाद com.tencent वाले फोल्डर में आपको जो गेम की मेन फाइल है वो यहाँ पर मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाउनलोड है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो डाउनलोड का प्रोग्रेस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को शेयर करना है गेम तो वो इस फाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।